डियर स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस एच एस ए बी हार्ड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स के फिर हम हार्ड एसिड्स एंड सॉफ्ट बेसिस एंड एसिड्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे हार्ड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस के कंसेप्ट को जानने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा एसिड्स एंड बेसिस की जो डिफरेंट थ्योरीज आई उनको पहले समझना होगा उसके बाद ही हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे तो एसिड्स एंड बेसिस को अगर हम इन जनरल वे कहें तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है एसिड्स की? की वो खट्टे होते हैं अगर हम आम भाषा में बात करें तो वो खट्टे होते हैं और अगर हम बेसिस को देखें तो वो कैसे होते हैं वो uh, कसैल जिनको हम कहते हैं तो वो स्लिपरी uh, होते हैं जो बेसिस होते हैं या छार जो होते हैं वो स्लिपरी होते हैं कड़वे uh, होते हैं तो ये मेन डिफरेंस है अगर हम आम भाषा में बात करते हैं बट अगर हम एसिड एंड बेसिस की थ्योरी देखें तो जो फर्स्ट थ्योरी आई एसिड्स एंड बेसिस की दैट वॉज अरिनीस थ्योरी सो अरेनियस थ्योरी वॉज गिवन बाई अरिनियस इन एटीन एंड दिस कंसेप्ट वॉज ऑल्सो नोन एज एक्वस कंसेप्ट अरिनियस ने जो थ्योरी दी 1884 में और ये थ्योरी क्या थी एक्वस कंसेप्ट कहलाती थी क्योंकि यहां पर जो एसिड और बेस की डेफिनेशन दी गई थी दैट वाज बेस्ड ऑन देयर डिजोल्यूशन इन द एक्वस मीडियम तो एसिड और बेस कब होते थे वो पानी के मीडियम में ही उनको एसिड एंड बेस की डेफिनेशन दी गई फॉर एग्जाम्पल एक जो एसिड होता है वो पानी की प्रेजेंस में एक्स मीडियम में इट गिव्स हाइड्रोजन आयंस तो अगर एसिड कौन होगा जो पानी में घोलने पर क्या देगा H प्लस आय देगा बेस कौन होता है अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट जो कि पानी में डिजोल्व करने पर क्या देता है OH एच माइनस आयंस देता है तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था अरिहनियस का कि दी सब्सटेंसेस विच कैन फर्निश एच प्लस आयन इन द एक्वस मीडियम दे आर एसिड्स एंड दी सब्सटेंसेस विच कैन फर्निश ओ एच माइनस आयन इन द एक्वस मीडियम दे आर बेसिस एंड दिस इज द सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ द अरेनियस एसिड एंड बेसिस अगर हम अरेनियस एसिड और एरीनियस बेस की लवड़ीकरण की रिएक्शन देखें न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन देखें तो क्या होगा एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करेंगे देन दे विल प्रोड्यूस अ सॉल्ट एक सोल्ट बनेगा और पानी बनेगा सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ अरेनियस थ्योरी लेकिन क्या ड्रॉबैक्स थे देयर आर ड्रॉबैक्स डेट कुछ एसिड्स जो है या कुछ बेसिस जो है हो सकता है कि उनमें ओ एच माइनस ना हो बेसिस में और एसिड्स में क्या हो एच प्लस आय न हो तो ऐसे एसिड्स जिनमें एच प्लस नहीं हो सकता जिनमें ओ OH एच माइनस नहीं हो सकता ऐसे बेस उनको हम फिर अरिनीस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं उसको क्लासीफाई करने के लिए फिर इसी ड्रॉबैक की वजह से क्या हुआ नेक्स्ट थ्योरी आई दैट वॉज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी एंड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी का जो कंसेप्ट वो आया नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री में और इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं दिस इज प्रोटोन ट्रांसफर कंसेप्ट यहाँ पर प्रोटोन का ही इन्वॉल्वमेंट माना गया अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड एंड लोरी द एसिड्स आर द स्पीसीज दैट कैन डोनेट देयर हाइड्रोजन टू अनदर स्पीसीज उसको हमने क्या कहा एसिड एसिड एक ऐसी स्पीसीज है जो कि हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकती किसी दूसरी स्पीसीज को तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सटेड क्या हुआ कि दो स्पीसीज चाहिए एसिड और बेस बताने के लिए एक स्पीसीज ऐसी होगी जो हाइड्रोजन आइटम आयन देगी और एक स्पीसीज होगी जो कि हाइड्रोजन आयन ले सकती है तो उसको क्या कहा बेस जैसे यहां पर बी माइनस बेस है तो बी माइनस यहां से एच ले लेगा और क्या बना देगा बी एच तो ये क्या कर रहा है देखिए प्रोटोन को रिमूव कर रहा है और ये बी माइनस क्या कर रहा है प्रोटोन को एड कर रहा है तो ये जो रिमूव कर रहा है जो डोनर है इट इज प्रोटोन डोनर सो इट इज एन एसिड इट इज प्रोटोन एक्सेप्टर सो इट इज अ बेस सो दिस इज अ प्रोटोन कंसेप्ट क्यों क्योंकि एक जो एसिड है इट इज प्रोटोन डोनर एंड जो बेस है वो प्रोटोन एक्सेप्टर है अगेन इस थ्योरी में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या जरूरत है प्रोटोन की यानी एसिड या बेस में क्या जरूरी है प्रोटोन होना जरूरी है बट देयर आर सम्स एंड बेसिस वेयर प्रोटोन्स में नॉट बी प्रेजेंट तो अगर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट ना हो या हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो एसिड और बेसिस में तो फिर हम उन्हें कैसे क्लासिफाई करेंगे एसिड्स एंड बेसिस में तो उसके लिए फिर एक नेक्स्ट थ्योरी आई दैट वॉज लुईस कंसेप्ट अगेन इट इज इन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री दिस कंसेप्ट केम इन टू एक्जिस्टेंस एंड दिस कंसेप्ट इज इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट कंसेप्ट क्या था लुइस का कंसेप्ट था जो कि 1923 में उन्होंने दिया और ये भी ये क्या कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट अब आप देख सकते हैं प्रोटोन या हाइड्रोक्सिल आयन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल देखिये बी एफ थ्री है अगर बी एफ थ्री को देखेंगे तो देखिये तीन बॉन्ड इसने एफ के साथ बनाए और एक इसका ऑर्बिटल क्या हुआ खाली तो अगर बी है तो उसके पास कितने ऑर्बिटल है शेल में चार चार में से बी एफ थ्री बनने के बाद तीन ऑर्बिटल तो भरे हुए हैं टोटल छह इलेक्ट्रॉन है बट एक ऑर्बिटल क्या है खाली इस तरीके के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंस इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड है क्यों क्योंकि इसके पूरे ऑर्बिटल अगर भरे होते तो ये आठ इलेक्ट्रॉन होते तो ये इलेक्ट्रॉन एफिशियंट होता लेकिन इसका एक ऑर्बिटल खाली होने की वजह से इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास इसलिए इसको लुइस ने क्या कहा इनको एसिड्स कहा ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन सफिशियंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल एनएस अगर आप देखेंगे तो देखिए तीन तो ये सिंगल बॉन्ड बन गए एच के साथ और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर इन दी दिस एस ऑर्बिटल एसपिथ्री हाइब्रेटाइज ऑर्बिटल तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है इट इज इलेक्ट्रॉन एफिशियंट ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे सकता है किसको दे सकता है देखिये इसके पास भरा है इसके पास खाली है तो इसको हमने कहा बेस जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर सफिशियंट है वो बेस है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या है एसिड है तो क्या होगा कि यहाँ पर जो बेस होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर सकता है एसिड्स को ओके सो अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट विच आर इलेक्ट्रॉन एफिशियंट दे आर बेसिस द स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट दे आर एसिड्स एंड दिस बेसिस कैन डोनेट देअर इलेक्ट्रॉन पेयर टू दसिड बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट तो अगर हम इनकी क्या देखेंगे अगर हम इनकी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन देखेंगे तो आप ये देखेंगे एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा ये जो बेस है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है एसिड को बिकॉज एसिड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट और अगर हम ब्रॉस्टेट एंड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे तो आप ये देखेंगे एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करके एक एसिड और एक बेस बनाता है इस एसिड का ये बेस क्या होगा कंजुगेट बेस होता है इस बेस का कंजुगेट एसिड ये होगा तो ये एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करेंगे तो एक एसिड और एक बेस बनाएंगे अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड थ्योरी अकॉर्डिंग टू अरिनियस थ्योरी एक एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म वॉटर एंड सॉल्ट एंड अकॉर्डिंग टू लूज कंसेप्ट जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या एडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे सो आई थिंक यू कैन डिफरेंशिएट इन बिटवीन अमंग दीज थ्री थ्योरीज नाउ यू विल सी सम ऑब्जर्वेशंस बाई कॉर्डिनेशन केमिस्ट अब ये देखिए जो लुइस एसिड का कंसेप्ट आया वहां पर कॉर्डिनेशन केमिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे कि कुछ लिगेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉन्ड बनाते हैं विदेवियर मेटल आय हैविंग फिल्ड डी ऑर्बिटल ऐसे हैवियर मेटल आयन्स जिनमें लगभग फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं कुछ लिगेंड ऐसे मेटल आयंस के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करते हैं और कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं विच कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद लाइटर मेटल आयन हैविंग नो इलेक्ट्रॉन्स और कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो जो लाइटर मेटल आयन्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं जिनके पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो आप ये देखेंगे कि मेटल आयन भी दो तो तरीके के हैं एक ऐसे मेटल आयन है जिनके पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं है एक मेटल आयन ऐसे हैं जिनके पास डी इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैवियर मेटल आयन ये कैसे है लाइटर मेटल आयन इसका मतलब लिगेंड भी दो तरीके के हैं एक ऐसे लिगेंड हैं जो लाइटर मेटल आयन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और एक ऐसे लिगेंड हैं जो कि हैवियर मेटल्स के साथ क्या बना रहे हैं बॉन्ड uh, बना रहे हैं स्ट्रांग तो इस तरीके से जो मेटल आइन्स हैं उनकी भी दो क्लास है देखिए एक क्लास है जिसमें कि एल्कली मेटल्स आएंगे एल्कलाइन अर्थ metals आएंगे एंड लाइटर ट्रांजिशन मेटल आय एंड अदर आय विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी इस कैटेगरी में आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं ये सब क्या है लाइटर मेटल आयन्स तो इनका एक क्लास हो गया क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन था इसके अकॉर्डिंग कि कुछ ऐसे लिगेंड है जो इनके साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं कुछ ऐसे लिगेंड है जो इनके साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं इसलिए मेटल आयन्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया अब जो दूसरी क्लास है देखिए उसमें हेवियर ट्रांजिशन मेटल साइंस आ गए जैसे पैलेडियम आ जाएगा प्लेटिनम आ जाएगा और उनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी कम होगी अब जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी उनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ये ट्रांजिशन मेटल से डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और यहाँ अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल से तो यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या फिर अगर लाइटर एलिमेंट्स होंगे तो उनमें डी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कम होंगे तो ये कम डी इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन सो देर आर टू क्लासेस ऑफ मेटल आइन्स क्लास वन एंड क्लास टू एक ऐसे मेटल आइन्स से है दीज आर हैवी लेस डी इलेक्ट्रॉन्स मोर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लाइटर एलिमेंट्स इसको अगर हम देखेंगे तो ये हेवीर एलिमेंट से है लो ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ठीक है तो दो क्लास बनाती मेटल आइन्स की दी अदर क्लास ऑफ लिगेंट्स अब नाउ यू कैन सी द लिगेंट्स कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड इन टू टू क्लासेस एक क्लास ऐसा है विच दी लिगेंड्स हैविंग द डोनर एटम्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड क्लोरीन जैसे कि एन एच थ्री हो सकता है एच टू हो सकता है तो आप ये देखेंगे एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर डोनर एटम्स दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अदर कैटेगरी है वो क्लास दूसरी है लिगेंड्स की जहां पर आप देखेंगे डोनर एटम्स दे आर जनरली हैविंग द लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे आर ऑफ लार्ज साइज फॉस्फोरस आर्सेनिक सल्फर सिलीनियम आयोडीन तो ये ऐसे ऐसे लिगेंड होंगे जिनमें ये डोनर एटम होंगे जैसे पीपीएच थ्री हो सकता है तो ये हेवियर डोनर एटम वाले से हैं क्लास टू के और क्लास वन तो अब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हम मेटल आइंस को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं एंड वी कैन डिवाइड द लिगेंड्स इन टू पार्ट्स ओके अब फिर से मैं आपको एग्जाम्पल कुछ दे रही हूं कि क्लास वन में जो लिगेंड्स हैं वो कौन से हैं और क्लास टू में जो लिगेंड्स हैं वो कौन से हैं ना यू कैन सी अब आप ये देख सकते हैं कि जो क्लास वन मेटल आयन था जो हमने कहा था जो क्लास वन मेटल आयन है वो क्लास वन लिगेंट के साथ ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग करता है और क्लास टू जो मेटल आयन है वो क्लास टू लिगेंट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग करता है अब क्लास वन में जो लिगेंट्स है देखिये वो लिगेंट जिनके पास क्या डोनर आइटम होंगे एफ एनओ ये वाले जो लिगेंड्स होंगे ये क्लास वन के होंगे और ये जो लिगेंड्स होंगे ये क्लास टू के होंगे तो आप देख सकते हैं देखिए जो लिगेंड्स हैं इनकी टेंडेंसी देखिए क्लास वन मेटल आयन के साथ बनाने की जो टेंडेंसी है वो इसकी सबसे ज्यादा है फिर इसकी है फिर इसकी है, फिर इसकी, है, फिर इसकी है। तो ये जो ऑर्डर है वो डिक्रीज हो रहा है देखिए इसका मतलब है कि क्लास वन मेटल आयन के साथ कौन स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे क्लास वन के लिगेंड क्योंकि ये क्लास वन के लिगेंड हैं इनकी टेंडेंसी अधिक है फिर आप देखेंगे क्लास टू मेटल आयंस के साथ कौन स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएंगे जिनमें की इस तरीके के डोनर एटम होंगे तो ये क्लास टू के डोनर एटम है इसलिए क्लास टू के जो डोनर एटम है दे कैन डोनर एटम कंटेनिंग लिगेंस दे कैन फॉर्म स्ट्रांग बॉन्ड विद क्लास टू मेटल आयंस और जितनी ज्यादा बॉन्डिंग की टेंडेंसी होगी देखिए अगर एफ कंटेनिंग लिगेंड की टेंडेंसी है क्लास वन के मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाने की तो वो स्ट्रांग बॉन्ड होगा ओके okay? और उतनी ही क्या होगी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी सो ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ द लिगेंड टू कंबाइन विद द मेटल आयन ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ये क्या बना कॉम्प्लेक्स तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की उतनी ही अधिक होगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन बिटवीन लीगेंट्स एंड मेटल आयन पियर्सन इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री हीज गिवन द नेम हार्ड एंड सॉफ्ट टू दीज लीगेंट्स इन लीगेंट्स और इन मेटल आय को उन्होंने नाम दिया हार्ड एंड सॉफ्ट तो ये पियर्सन ने दिया था नाइनटीन सिक्सटी थ्री में तो उन्होंने क्या कहा जो क्लास वन थी क्लास वन को उन्होंने क्या कहा हार्ड क्लास वन के चाहे वो क्या हो मेटल आयंस हो चाहे वो लिगेंड्स हो उनको उन्होंने कहा हार्ड और जो क्लास टू के मेटल आयंस थे या लिगेंड्स थे उनको कहा सॉफ्ट तो ये क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया जो क्लास वन है उसको फर्दर डिवाइड किया एक तो क्लास वन में आपने देखे मेटल आइंस थे तो मेटल आइंस क्या थे हार्ड एसिड्स जो दूसरा जो पोर्शन था दैट इज हार्ड दैट आर लिगेंट्स तो वो क्या थे हार्ड बेसिस ओके okay? क्योंकि लिगियट के पास क्या होती है इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है और मेटल क्या होता है इलेक्ट्रॉन के तो वो क्या होंगे एसिड और जो जो लिगेंड्स होते हैं वो बेस होते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बट ये दोनों की कैटेगरी क्या हो गई हार्ड अगर हम सेकंड क्लास को देखें तो उसको हमने किस में कैटेगरी में डिवाइड कर दिया एक को हमने सॉफ्ट एसिड कहा जो मेटल आयंस थे सेकंड क्लास के और जो सेकंड क्लास के जो लिगेंड्स है उनको हमने क्या कहा सॉफ्ट बेसिस एक्चुअल में जो क्लास वन और क्लास टू जो हमने डिवाइड किया है वो सब क्या थे लुइस एसिड्स क्यों हमें कंसेप्ट पढ़ना था लुइस एसिड का क्योंकि ये जो अब हम बात कर रहे हैं जो पियर्सन ने जो क्वाले क्लासिफिकेशन दिया वो लुइस एसिड्स एंड बेसिस का दिया ओके okay? तो एच एस ए बी में जो जो थ्योरी है या जो हार्ड सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे वो सब किसके बारे में पढ़ना है लुइस एसिड्स एंड बेसिस सो पियर्सन हैज क्लासिफाइड लूस एसिड्स एंड बेसिस इंटू हार्ड एंड सॉफ्ट ओके सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लूइस एसिड्स लुइस एसिड्स को दो भागों में डिवाइड uh, किया जा सकता है हार्ड एसिड्स एंड सॉफ्ट एसिड्स हार्ड एसिड्स की क्या uh, uh, क्या उसकी प्रॉपर्टीज uh, होंगी और सॉफ्ट एसिड्स हम किन कहेंगे तो हार्ड एसिड्स हम किन कह रहे हैं जिनका साइज uh, कम है छोटा साइज स्मॉल साइज कैटाइंस विद ए स्मॉल साइज होंगे ये सब कैटाइंस जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी बट दे आर ऑफ स्मॉल साइज जो कि हमने देखा था क्लास वन जो है वो स्मॉल साइज के आयंस थे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्लास वन को हमने कहा था वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट थे उनमें तो हार्ड एसिड्स थे वो कैन नॉट इजिली बी इजिली पोलराइज एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो हार्ड एसिड्स कौन थे अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी हार्ड एसिड्स थे जो कि एल्कली मेटल्स थे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे ट्रांजिशन मेटल आय थे जो कि लाइटर थे तो उनमें डी इलेक्ट्रॉन्स या तो नहीं थे या बहुत कम थे एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे डू नॉट कंटेन द डी ऑर्बिटल्स इसलिए क्या होगा यहां पर इनके इजीली पोलराइज ये नहीं होंगे तो जिन मेटल केटाइन्स uh, में कोई भी uh, क्या नहीं होगा डी uh, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या कम होंगे वो इजीली पोलराइज नहीं होगा सो दे आर नॉट इजीली पोलराइज अगर हम इनकी चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद क्लास वन लीके तो ये क्लास वन कौन थी हार्ड बेसिस तो ये हार्ड बेसिस के साथ स्टेबल uh, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इफ वी सी दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट एसिड्स देन वी विल फाइंड दैट दीज आर केटाइंस ऑफ लार्ज साइज ये क्या होगा इन केटाइंस का साइज क्या होगा लार्ज होगा क्यों होगा क्योंकि ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कम होती है तो जीरो होती है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एग्जिस्ट करेंगे देन लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है ये हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे तो इनके पास क्या होंगे डी इलेक्ट्रॉन सफिशियंट अमाउंट में होंगे एंड दे विल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विथ क्लास टू लिगेंट्स क्लास टू लिगेंट्स आर सॉफ्ट बेसिस दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मेटल आय एंड दैट इज गिवन बाई पियर्सन पियरसन ने दिया है, तो ल्यूस एसिड्स को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं मेन एक जो टर्म uh, है बॉर्डर लाइन एसिड्स दे आर इन बिटवीन दे आर हैविंग द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड एसिड्स हार्ड एसिड्स को आप देखिए दीज आर एल्कली मेटल आय एक एच प्लस जो है वो और इंक्लूडेड होगा इसके अलावा देखिये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दीज आर

और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे डी इलेक्ट्रॉन तो ये ऐसी ऐसे हैं जिनमें जिन डी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बीसीएल एलसीएल थ्री एंड कुछ ऐसे हैं देखिए जो बहुत हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आइटम्स हैं तो ये इनमें भी डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो जिनमें डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे दे आर द एग्जांपल्स ऑफ हार्ड एसिड्स एक और एग्जाम्पल है दैट आर एच एक्स ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे जो एसिड्स वो क्या होंगे इसके अंडर आएंगे ऐसे सीओ टू है तो ये हार्ड एसिड्स की कैटेगरी है अगर आप सॉफ्ट एसिड्स को देखेंगे ऐसे ही हम इसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं ये हेवियर एलिमेंट्स हैं सब ठीक हैवियर एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है देखिए कम है क्योंकि इनकी इसका मतलब इनके पास क्या है दे हैव नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स और जितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे कैन बी इजीली पोलराइजेबल या इजीली पोलराइजेबल होंगे ओके okay? और कुछ आप देख सकते हैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं गैलियम ये हेवियर है तो यहां पर ये भी क्या शो करेंगे बी एस थ्री को छोड़ दीजिए इसको छोड़ का एक्सेप्शन है बाकी आप देखिए ये भी सॉफ्ट एसिड्स हैवियर एलिमेंट्स के एसिड्स देन आप यहां देखिए जो ये जो हैलाइट्स हैं इनके ऊपर कम चार्ज है यहाँ पर हैलाइट्स के ऊपर अधिक चार्ज था तो ये अधिक चार्ज वाले तो हार्ड एसिड है क्योंकि इनमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे पर जिनपे कम चार्ज है वो क्या है दे आर सॉफ्ट एसिड बिकॉज दे हैव डी इलेक्ट्रॉन्स और अगर हम बॉर्डर लाइन को देखेंगे तो बॉर्डर लाइन में आप देखिए ये जो ट्रांजेक्शन सीरीज है ये बीच के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू ये कंटेनिंग जो कंपाउंडस हैं ये बॉर्डर लाइन में आए इनकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में होती है सी द क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेसिस अब अगर हम लुइस बेसिस को क्लासीफिकेशन उनका देखें तो अगेन दे कैन बी क्लासिफाइड एज हार्ड बेसिस सॉफ्ट बेसिस एंड इट बिटवीन दैम देर आर सम बॉर्डर लाइन बेसिस ऑल्सो अगर हम हार्ड बेसिस की प्रॉपर्टी देखें तो देखिये जैसे जो हार्ड एसिड्स थे वो क्लास वन लिगेंड के साथ इजीली कॉम्प्लेक्स बना रहे थे ऐसे ही जो हार्ड बेसेस होंगे वो क्लास वन मेटल आयंस के साथ इजीली बॉन्ड बनाएंगे बिकॉज क्लास वन मेटल आयन्स आर हार्ड एसिड्स ओके नाउ दे हार्ड बेसेस दे हैव डोनर एटम्स हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तो ये किन कैसे होते हैं जिनमें डोनर एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं हार्ड बेसिस कहते हैं डोनर एटम्स की पोलरिजिबिलिटी भी बहुत कम होती है क्योंकि इनका साइज क्या होता है छोटा होता है आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ पोलरेजिबिलिटी फ्लोरिन का साइज छोटा होता है इसलिए उसकी पोलरिजिबिलिटी क्या होगी कम होगी देन दे हैव लो एनर्जी ऑर्बिटल्स इनकी जो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर फील्ड लो एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड दे आर बेसिस तो उनके जो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं फिल्ड होते हैं स्पेशली ऑफ हार्ड बेसिस जैसे कि फ्लोरीन है जिनमें डोनर आइटम होते हैं क्लोरीन है इनके लो एनर्जी ऑर्बिटल्स यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स दे आर फिल्ड और ये जो है दे कैन नॉट इजिली ऑक्सीडाइज ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि इनमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स Uh, ये इनकी टेंडेंसी एक्चुअली क्या है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है इनकी सॉरी बिकॉज दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है तो ये ऑक्सीटाइज नहीं किए जा सकते आसानी से ओके okay? तो ये जो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है अब अगर हम इसमें देखेंगे इस देखें कैटेगरी में कौन कौन आते हैं आर एनएच टू एन एच थ्री एन टू इनमें एन जो है वो डोनर एटम है फिर आर टू ओ ओएच माइनस आर ओ एच ओ आर ओ माइनस इनमें डोनर एटम्स क्या है आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है देन सम अदर एग्जांपल्स आर सी एस टी सीओ माइनस सीओ थ्री टू माइनस फिर कुछ ऐसे एटम्स भी है आप देखेंगे लेकिन इनके ऊपर क्या है हाई चार्ज है अगर फास्फोरस का फॉस्पेट है तो यहां पर चार्ज ज्यादा है तो हाई चार्ज हो सकता है अगर हाई चार्ज है तो वो कैसा है हार्ड बेस है चाहे वो उसमें क्या है फॉस्फोरस है लेकिन वो क्या है उसपे हाई चार्ज है ओके नाउ सल्फेट है सीएल फोर माइनस एफ माइनस है सीएल माइनस है दे आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड बेसिस नाउ यू कैन सी द्स ऑफ सॉफ्ट बेसिस सॉफ्ट बेसिस को अगर देखेंगे लेकिन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद क्लास टू मेटल आइन्स ये क्लास टू मेटल आइन्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं क्लास टू मेटल आइन्स कौन से है सॉफ्ट एसिड्स ओके डोनर एटम्स जो सॉफ्ट बेसिस में होगा वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होंगे जनरली वो लार्ज साइज के होते हैं तो डोनर एटम्स हैव हाई पोलबिलिटी जैसे आपने पढ़ा होगा कि आयोडीन जो है उसकी पोलिटी अधिक होती है और दे हैव हाई एनर्जी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल जो इनके पास एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो खाली होते हैं ठीक है ठीके? और ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है इसलिए इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं फॉर एग्जांपल देखिए एग्जाम्पल देखिये ऑलिफिन एरिन एच माइनस स्पेशली एच माइनस इज अ सॉफ्ट बेस देन सीओ सी एन माइनस आर एन सी ये जो लिगेंड है ये क्या है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है इनके पास क्या होते हैं एमटी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं तो जिनके पास एमटी एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं आपने सीओ का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है और ये जो पाई बॉन्डेड लिगेंड है ये पाई बॉन्डेड लिगेंड्स है ऑल द पाई बॉन्डेड लिगेंड्स दे आर सॉफ्ट बेसिस है इसमें ओ भी है लेकिन एन भी है लेकिन इनमें जो डोनर एटम होते हैं वो कार्बन होते हैं इसमें डोनर एटम कार्बन है इसमें डोनर एटम कार्बन है तो ये क्या है सॉफ्ट uh, बेसिस के एग्जाम्पल है फिर आर थ्री पी देखिए पी इज द डोनर एटम एस इज द डोनर एटम एस मे बी द डोनर एटम आई माइनस बड़ा साइज है और एस एस जो है वो ऑल्सो क्या है ये सॉफ्ट एसिड है तो सॉफ्ट सॉरी सॉफ्ट बेसिस है सॉफ्ट बेसिस का क्या करेक्टरिस्टिक uh, है कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम की कम होनी चाहिए और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं और उनके पास क्या होता है एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है तो एरिंस ऑलिफिन्स डाइन्स एल्काइन्स और आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट बेसिस और अगर हम हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस के बीच में देखें तो कुछ ऐसे लिगेंड है जिनको बॉर्डर लाइन बेसिस कहते हैं जैसे ये देखिए एनिलीन है और एन है बी है एसओ SO है सो दीज आर सम बॉर्डर लाइन बेसिस नाउ समेराइजिंग दिस लेक्चर अब हम इस लेक्चर को थोड़ा समेराइज करें कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा तो इसमें हमने पढ़ा अबाउट सम एसिड एंड बेस कंसेप्ट लाइक अरिनियस ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड लुइस कंसेप्ट लुइस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी आर स्टडिंग अबाउट हार्ड एसिड्स सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है लुइस एसिड्स एंड लुइस बेसिस बिकॉज लुइस एसिड्स एंड लुइस बेसिस को ही डिवाइड किया गया है एसिड्स एंड बेसिस में पियर्सन ने इनको डिवाइड किया इन 1963 में एंड हार्ड एंड सॉफ्ट उनको नाम दिया गया और पहले इनको क्लासिफाई किया गया था क्लास वन एंड क्लास टू में क्लास वन के जो मेटल आयंस थे वो क्लास वन के लिगेंट्स के साथ बॉन्डिंग बना सकते थे क्लास टू के जो मेटल आयंस थे वो क्लास टू के लिगेंट्स के साथ बॉन्डिंग बना सकते थे उसके बाद पियर्सन ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने लुइस एसिड्स को डिवाइड किया हार्ड एसिड्स एंड सॉफ्ट एसिड्स में और लुइस बेसिस को उन्होंने डिवाइड किया हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट बेसिस में और अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो हार्ड एसिड्स स्मॉल साइज के टाइन्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट इजीली पोलराइज लो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स और नो डी इलेक्ट्रॉन्स ओके एंड सॉफ्ट एसिट्स के टाइम ऑफ लार्ज साइज जीरो और लो ऑक्सीडेशन स्टेट लार्ज नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिसडी इलेक्ट्रॉन्स और दे कैन इजिली बी पोलराइज अगर हम नेचर देखें तो जो हार्ड एसिड्स है वहां पर कौन आते हैं एच प्लस के अलावा एल्ली मेटल्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स विथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स फिर जो सॉफ्ट में आते हैं वो क्या आते हैं सॉफ्ट की कैटेगरी अगर हम देखें सॉफ्ट एसिड्स की तो वहां पर हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएंगे और हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी कम होगी फिर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है अबाउट लुइस बेसिस का लुइस बेसिस का जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो पढ़ा है हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट बेसिस एंड बॉर्डर लाइन बेसिस हार्ड बेसिस में आपने पढ़ा है कि uh, जो डोनर एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी डोनर एटम्स की पोलराइजेबिलिटी लो होगी और उनके पास फिल्ड लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे दे कैन नॉट ईजिली बी ऑक्सीडाइज तो जहाँ पर ऑक्सीजन होंगे एन है एच है आर है आर है uh, एसओ फोर टू नेगेटिव एफ माइनस दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड बेसिस सॉफ्ट बेसिस द इंक्लूड्स द लिगेंट्स हैविंग लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर एटम्स तो डोनर ऐटम्स इसलिए उनकी पोलजेबिलिटी क्या होगी हाई होगी दे कैन ईजिली भी ऑक्सीडाइज एंड दे हैव हाई एम टी एनर्जी ऑफ हाई एमटी एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे यानी उनके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होंगे जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप में होते हैं जो लिगेंट्स वो ऑलिफेंट्स हैं जिनमें कार्बन डोनर एटम्स होते हैं जनरली आ, या फिर आर्सेनिक होगा फॉस्फोरस होगा सल्फर होगा तो ये दे आर अंडर द कैटेगरी सॉफ्ट बेसिस और इनके बीच में जो कैटेगरी है दैट इज बॉर्डरलाइन बेसिस सो दिस इज ऑल अबाउट Uh, this lecture in the next next lecture we will discuss about the hsab principle and its applications